सांबर बनाने के लिए हमने यहाँ पर अरहर दाल ली है। ये आधी कटोरी अरहर दाल है। इसको हम अच्छे से वॉश करके 15 मिनट के लिए पहले भिगो के रख देंगे। मैंने इस दाल को पहले से ही 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया है। अब हम कुकर लेंगे और इस दाल को अपने कुकर में डालेंगे। अब हम इसमें लगभग 2 गिलास पानी डालेंगे। दो से तीन चुटकी हींग डाल देंगे हम इसमें। आधा छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और आधा छोटी चम्मच हल्दी। अब हम इसका ढक्कन लगा के कम स्लो फ्लेम पे 3 से 4 सीटी आने तक इस दाल को बॉईल करेंगे। तो चलिए इसको मैं गैस को फ्लेम ऑन करके इसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं। स्लो फ्लेम पे हम इसमें 3 से 4 सीटी आने देंगे, तो तब तक हम अपनी सब्जियां इकट्ठी कर लेते। सांभर बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा टमाटर लिया है, एक प्याज लिए हमने, इसको काट लिया है, 1 चम्मच मेरे पास इमली का पेस्ट है, 1 चम्मच राई दाना, 2 बड़े चम्मच सांबर मसाला, नमक है स्वाद अनुसार, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सरसों का तेल, ये हम सरसों के तेल में बनाएंगे। सब्जियों में मैंने यहाँ पर लौकी का एक टुकड़ा है मेरे पास, जिसको मैंने ऐसे पीसेस में काट लिया है, आधा गाजर लिया है मैंने, और ड्रम स्टिक है, 2 साबुत लाल मिर्च, कुछ करी पत्ते, 1 इंच तक अदरक को मैंने काट लिया है और 2 से 3 चुटकी हींग। तो चलिए अब हम ये सांभर बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई ले ली है हमने, गैस का फ्लेम ऑन है और ये तेल जो मैंने लिया था ये मैं इसमें डाल दूंगी। तेल हमारा गर्म होने लगा है, अब मैं इसमें ये राई दाने डाल दूंगी, हींग डाल देंगे हम इसमें, 2 साबुत लाल मिर्च जो हमने लिए थे ये भी डाल। अब मैं इसमें ये करी पत्ते डाल दूंगी और ये अदरक भी डाल देंगे हम। इसी के साथ हम इसमें अपनी सब्जियां भी डाल देंगे। ये प्याज भी मैं डाल दूंगी। और इनको अच्छा भून लेंगे हम अभी। सब्जियां बहुत अच्छे से भून गई हैं। अब मैं इसमें ये टमाटर डाल दूंगी। इसी के साथ साथ ये लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, हम सब्जियों को अच्छे से भून लेंगे। सांबर मसाला भी डाल देंगे इसमें। सब्जियां हमारी बहुत अच्छे से भून चुकी हैं।
अब हम इसमें अपनी दाल ऐड कर देंगे। लगभग एक गिलास पानी हम इसमें और डालेंगे। आप अपने हिसाब से जितना पतला या गाढ़ा इसको चाहते हो इसमें पानी की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। एक गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसे ढक करके 5 मिनट तक पकने दूंगी। सांभर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम ये इमली का जो पल्प था इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। सांभर हमारा एकदम रेडी है, तो आइए इसको सर्व कर लेते हैं। सांभर यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा बना है। आप इसको जब चाहे तब बना सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्दी होती है क्योंकि इसमें दाल के साथ साथ सारी सब्जियां भी शामिल होती हैं। आप इसमें किसी भी तरह की कोई भी सब्जी जो आपके घर पे अवेलेबल हो उनका इस्तेमाल करके आप सांभर बना सकते हैं और सांभर बहुत ही अच्छा लगता है। इसको आप इडली के साथ, डोसा के साथ या फिर राइस के साथ भी खा सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। तो एक बार इस तरीके से इस सांभर को ज़रूर ट्राई करिए। और ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।